योगी सरकार में शुरू ही नाम बदलने की प्रक्रिया थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार फिर नाम बदलने की गूंज गोरखपुर में जोरों से सुनाई दे रही है, लेकिन यहाँ गोरखपुर शहर का नाम बदलने की चर्चा नहीं है, बल्कि मोहल्ले और कॉलोनियों का नाम बदलने का जोर है। दरअसल इस बार अधिकतर मुस्लिम इलाकों के नाम नगर निगम के द्वारा बदले जा रहे हैं, जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। मुस्लिम वार्डों के नाम बदलकर महापुरुषों और बलिदानियों के नाम पर रखे गए हैं, तो वहीं लोगों में इसको लेकर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। मुस्लिम पार्षदों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। मोदी जी का जो सबका साथ सबका विश्वास वाली जो बात थी, उसको ये खत्म कर रहे हैं नाम बदल के। ये तुष्टिकरण की राजनीति है। अपने लोगों को भाजपा के जो इनके लोग हैं उनको लोग खुश कर रहे हैं। इससे विकास से कोई लेना लादना नहीं है। अब कोई महापुरुषों का नाम नहीं बदल रहे हैं। अब तमाम महापुरुष हैं जो मुस्लिम समाज के हैं, उनके नाम से क्यों नहीं वार्ड को बदला जा रहा है? कहाँ कोई वार्ड नहीं रखा गया है अशफाकुल्ला खां के नाम? यहाँ भी तो बुजुर्ग के नाम से थे। इस्माइल, बाबा इस्माइल के नाम से ये वार्ड इस्माइलपुर रखा गया था। बहुत बुजुर्ग हस्ती हैं, उनको हिंदू मुसलमान सभी लोग मानते हैं। ये मान नाम रहने देना चाहिए था। वहीं फैसले का बीजेपी पार्षदों ने स्वागत किया है। गोरखपुर मेयर सीताराम जायसवाल ने कहा कि कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर वार्डो के नाम रखे गए हैं। देखिए, 50 वार्डों के नाम महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर किए गए हैं, और कोई राजनीतिक विद्वेष के लिए अपना मत व्यक्त करता है या उसका विरोध करता है तो सरासर गलत है। इसमें सभी जनता की जो मांग थी, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महापुरुष थे, हमारे धार्मिक गुरु थे, उनके नाम पर किया गया है। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और अशफाकुल्ला खां जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके पर नामकरण एक वार्ड का किया गया है, और झूलेलाल जी के नाम पर भी एक नामकरण किया गया है वार्ड का। कोई भेदभाव नहीं है। आपको बता दें कि नगर निगम में 32 गांवों के शामिल होने के बाद वार्डों की संख्या 70 से बढ़कर 80 हो गई है। नए 10 वार्डों के साथ ही पुराने 40 वार्डों का नया नाम रखा गया है। यानी नगर निगम में 80 में से 50 वार्ड नए नाम से पहचाने जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।